1993 की बात है, यशवंत सिन्हा बीजेपी में शामिल होने वाले थे। तब लाल कृष्ण आडवाणी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिन्हा पार्टी के लिए दिवाली गिफ्ट हैं। आज की तारीख में वही दिवाली गिफ्ट विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी के खास रहे, लेकिन मोदी सरकार बहुत पसंद नहीं आई। उन्होंने 2018 में ये कहते हुए पार्टी छोड़ दी थी कि आज पार्टी का जो स्वरूप है वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक आईएएस के रूप में करियर की शुरुआत करने वाले यशवंत सिन्हा ने 1984 में सर्विस से इस्तीफा दे दिया, फिर राजनीति में आ गए। जनता दल से शुरुआत की, बीजेपी से होते हुए टीएमसी में आ गए, लेकिन जहां भी रहे मुखर होकर बोलते रहे। पार्टी में रहते हुए उन्होंने कहा था, आज की बीजेपी वह बीजेपी नहीं रह गई है जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के ज़माने में थी। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 को पटना के कायस्थ परिवार में हुआ था। पटना में पढ़ाई की, 1958 में पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और 1960 में पटना विश्वविद्यालय में ही शिक्षक बन गए। 1960 में यशवंत सिन्हा का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ। उन्होंने बतौर प्रशासनिक अधिकारी 24 साल तक काम किया। इस दौरान वह कई अहम पदों पर काबिज रहे। उन्होंने 4 साल तक उपमंडल मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया। 2 साल तक बिहार सरकार के वित्त विभाग में अवर सचिव और उप सचिव थे। इसके बाद उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय में भारत सरकार के उप सचिव के रूप में काम किया। इसके बाद वह साल 1971 से 1974 तक जर्मनी में भारतीय दूतावास के पहले सचिव नियुक्त किए गए थे। यशवंत सिन्हा ने 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए। इसके बाद 1986 में उन्हें जनता पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया गया। 1988 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। सिन्हा 1990 से लेकर 1991 तक चंद्रशेखर मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में काम किए। जून 1996 में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और मार्च 1998 में उन्हें भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। साल 2018 में बीजेपी छोड़ने के बाद 2021 में वह ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी में शामिल हो गए।